मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है डीवी सिन्हा ब्लॉग में। गुड मॉर्निंग बोलिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। ज्यादा खाना बन रहा है, आज है किचन के साफ सफाई करना है तो खाना बना रहे हैं। बहुत टेस्टी सब्जी बनाते हैं। अच्छा, आप खिलाएंगे सबको बना के, दोस्तों को भी खिलाइएगा। सबको नहीं, मतलब घर में लोग को कैसे भेजेंगे, तो आज खिलाएंगे और जानबूझ के खिला रहे हैं, बाहर से नहीं मंगाना पड़ेगा। 3 दिन का साफ सफाई होगा, एक दिन बाहर का खाना नहीं खिलाया। आज इसलिए बना रहे हैं कि आज भी नहीं मंगाना पड़ेगा। आलू, गोभी, धनिया पत्ता, टमाटर, शिमला मिर्च सब डाल के बनाएंगे। अच्छा, मतलब सब्जी डालेंगे तो ऐसे भी टेस्टी हो जाएगा। तेज बनते हैं, कुछ नहीं होगा क्या, हम भी डालेंगे तो टेस्टी बन जाएगा। देखिए कुकर का ढक्कन निकल नहीं रहा है, बोलेंगे सब्जी बनाएंगे। सब्जी में हेल्प चाहिए, सारा कुछ काट के दिए हैं तब जाके सब्जी बनाने जा रहे हैं। नहीं, आलू यही छिले हैं, आलू और प्याज। नहीं, आलू हमेशा ये छिलते हैं क्योंकि मेरे हाथ में ना कुछ प्रॉब्लम होता है, आलू छिलने में पूरा हाथ फटने लगता है। तो जब भी मतलब आलू तो हमेशा यही छील के मुझे देते हैं तब जाके सब्जी बनता है। बाकी सारा कुछ काट दिए हैं, अब ये बना रहे हैं तो खाना जल्दी जल्दी बनाएंगे और उसके बाद किचन की साफ सफाई में लगेंगे। और उधर देखिए मेरा कोको अकेले बालकनी में है। देखिए बैक करके दिखाते हैं, रुकिए। कोको बाबू गुड मॉर्निंग बोल दे। कोको गुड मॉर्निंग। कोको देखिए बालकनी में खेल रहा है, अकेले खेल रहा है। हाँ, मिस कर रहा है, चौको को बहुत मिस करता है कोको। तो आज के ब्लॉग में कंटिन्यू रहिएगा दोस्तों। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर कीजिएगा और न्यू है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और किचन का सफाई करना शुरू करो तो बहुत सारे तामझाम होते हैं। तो हम लोग नाश्ता कर लिए, फिर दोपहर का खाना बनाकर भी रेडी कर लिए हैं, और ताकि बीच में फिर खाना बनाने में दिक्कत होगा। और जितना भी सामान है सब कुछ निकालना पड़ता है। बर्तन जो यूज नहीं हो रहा है और जो यूज हो रहा है सबको अच्छे से धोकर सबको बालकनी में रख दे रही हूँ। वहाँ पर धूप आता है तो मतलब सारा कुछ अच्छे से सूख भी जाएगा। और किचन खाली करके उधर साइड में रख दो ठीक रहता, नहीं तो पूरा घर लगता है कि बिखरा बिखरा है। और सफाई करने में भी आसानी हो जाती है। और जितना भी डब्बा होता है सबको पहले मैं निकाल के चेक कर लेती हूँ, क्योंकि बहुत सी ऐसा चीज़ होता है कि मतलब कुछ ख़राब पड़ा है या फिर रखा रह गया है, तो इसे मतलब उसको छांट भी लेते हैं और लगे हाथ सारा डब्बा भी अच्छे से साफ़ हो जाता है। और इसमें जो मतलब कुछ सामान मतलब डब्बा खाली भी निकल जाते हैं, जैसे कुछ सामान फेंकना है तो उसका डब्बा खाली निकल जाता है। तो सारा कुछ जो है पहले छांटने का काम कर ले रही हूँ। इकट्ठा कर लूँगी तो सारा धोने वाला जो काम है एक बार करूँगी। तो इस रेक का, इधर वाला रेक का तो मेरा जो है सारा कुछ डब्बा निकाल लिया। फिर उसके बाद मिक्सी हो गया, इंडक्शन है, ये सबको मैंने मॉलिन से साफ़ कर लिया है। तो उसका किनारा किनारा जो वाइट वाला होता है ना, वो बहुत गंदा हो जाता है, उसे तो मैंने मॉलिन से साफ़ कर दिया है, उसे तो अच्छे से साफ़ हो गया है। और जितना डब्बा है सबको निकाल कर छांट लूँगी। मतलब जो जैसे क्या है कि कुछ किसी में नहीं है, थोड़ा सा है तो उसको खाली कर लेती हूँ। और सारा डब्बा जो है मेरा आदत है, खाली होता है तो उसको धो लेती हूँ, तो उतना गंदा मेरा रहता नहीं है। तो सारा डब्बा ऐसा नहीं है कि निकाल के सारा डब्बा को धोना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जो खाली होने वाला होता है उसको धो लेती हूँ। और फ्रिज का भी जितना भी सामान था वो सारा मैंने निकाल लिया है धोने के लिए। तो जितना डब्बा है और जितना फ्रिज का जो पार्ट है सारा कुछ जो निकाल के रखे हैं सब पहले धोने वाला काम कर लेंगे। इससे क्या हुआ कि सारा जो है बालकनी में रख देंगे तो इतना जो काम है वो निपट जाता है। इसमें भी बहुत टाइम लगता है इतना सारा कुछ करने में। तो सारा कुछ धोने वाला था, लगभग धो लिए हैं। और अभी हो गया है खाने का टाइम, तो हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए। उसके बाद आगे का काम बढ़ाएंगे। खाना निकल रहा है और खाना सुबह में बना के रख दिए थे दाल भात सब्जी, बस शॉर्टकट खाना चलेगा। हालत ना लेबर वाला हो जाता है, मतलब काम करो बीच में, जैसे लेबर लोग काम करते हैं ना, मजदूर लोग बीच में खाते हैं, वही वाला हाल हो जाता है साफ सफाई में। तो चलिए हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद फिर काम बढ़ाएंगे आगे। मतलब बहुत ज़्यादा थकावट भी लग रहा है। और आज तो किचन वाला में जो है ना खाली पानी का काम हो रहा है, तो उसकी वजह से भी अजीब जैसा लग रहा है, हल्का ठंडा जैसा भी लग रहा है। और खाना खाने के बाद पहले जो है फ्रिज की सफाई कर ले रही हूँ, क्योंकि इसका पार्ट तो सारा जो धो के मैंने बालकनी में रख दिया है तो इसको साफ़ कर लेती हूँ। अंदर साफ़ सफाई कर लूँगी तो इसका सारा कुछ जो है फिर अरेंज भी कर लूँगी। तो ये काम जो है मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो उसके बाद अपना किचन में जो है सूखा जो झाड़ने वाला काम है वो कर लूँगी। तो ये मैं पहले कर ले रही हूँ फ्रिज का जो काम है। और अभी फिलहाल लग गई हूँ सफाई करने के लिए। तो सबसे पहले ऊपर से शुरू कर रही हूँ। और क्या होता है कि ऊपर से डस्ट गिरता है तो पहले ऊपर झाड़ू, उसके बाद फिर नीचे। और सारा पल्ला वगैरह इतना गंदा रहता है, मतलब बहुत ज़्यादा गंदा तो नहीं होता है, लेकिन जहाँ जहाँ पर आप हाथ लगाते हैं खाना बनाते बनाते वो सब कुछ दाग हो जाता है, जिसको अच्छे से साफ़ करना होता है। और डीप क्लीनिंग में तो यही होता है, बस थोड़ा थोड़ा कहीं भी कुछ देखो तो उसे अच्छे से साफ़ करो। वैसे तो रेगुलरली हम लोग साफ़ करते ही हैं और उसमें बहुत कुछ जो है उतना साफ़ नहीं हो पाता है। और ये जो ब्लॉग है ना दोस्तों, ये दीपावली के सफाई का ब्लॉग है जो अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरी तबीयत इसके बाद बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और एडिटिंग नहीं कर पाई थी। और उसके बाद फिर काम का भी प्रेशर बहुत ज़्यादा था, कभी मार्केट जाओ तो मतलब बहुत सारा काम होता है ना दीपावली में, तो इसलिए मैंने इसका एडिटिंग जो है पूरा नहीं कर पाई थी, इसलिए मैंने अपलोड नहीं किया था, तो अभी कर रही हूँ। और किचन का साफ़ सफाई में बहुत टाइम तो लगता ही है, मतलब किचन का स्लेब, चूल्हा, फिर नीचे की साफ़ सफाई और ये जो बेसिन वगैरह है वो सब को मैंने अच्छे से क्लीन किया, सारा कुछ मैंने क्लीन कर लिया था। हो गया, अब किचन साफ़ हो गया, आपका देखिए किचन पूरा चमक गया है। जाइए अब नहाइए, पूरा भींग भी गई हैं आप। और नहाने के बाद जो है सारा सामान किचन का जो बालकनी में बिखरा पड़ा है उसे जल्दी भी हम दोनों मिलकर सजा ले रहे हैं। मतलब जो सामान जहाँ पर है वहाँ पर रखना होता है, तभी तो फिर चाय नाश्ता खाना जो भी है सब कुछ बनेगा, क्योंकि किचन का सामान बिखरा पड़ा रहता है तो कुछ भी काम करने में मन नहीं लगता है। तो सबसे पहले जो है हम दोनों मिलकर उसे एडजस्ट कर ले रहे हैं। और आज का ब्लॉग जो है दोस्तों यहीं पे एंड कर देती हूँ। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से जरूर कर दीजिएगा और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।